दोस्तों आज है 26 नवंबर और 26 नवंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर के सवाल चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला सवाल है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। अब 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों पहली बार 26 नवंबर 1949 को ही जो संविधान है वो पारित हुआ था। कब पारित हुआ था, 26 नवंबर 1949, ध्यान में रखिएगा। तो इसी उपलक्ष्य में दोस्तों ये 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए, लेकिन अगर ये पूछ दे एग्जाम में कि भारत कब गणतंत्र हुआ था, तो वो हुआ था 26 जनवरी, ये यहाँ पे अलग आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था और हमारा संविधान भी दोस्तों प्रभाव में आया था वो 26 जनवरी 1950 को ही। लेकिन संविधान दिवस हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं क्योंकि इसी दिन दोस्तों हमारा संविधान पारित हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 खिताब से सम्मानित किया गया, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा दलीला मोहम्मद। अब एक और बात ध्यान में रखना है आपको, अगर ये पूछते कि मेल वर्जन अगर पूछ दे कि कौन से पुरुष वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया, तो दोस्तों उसका जवाब होगा एलियुड किपचोगे, ठीक है, एलियुड किपचोगे। और महिला में अगर पूछ दे दोस्तों तो वो दलीला मोहम्मद को। अगला दोस्तों सवाल है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया, काफी महत्वपूर्ण सवाल, बाल शांति पुरस्कार 2019। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रेटा थनबर्ग को इस बार बाल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल भी काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में संगाई उत्सव, देखिए एग्जाम में पूछ सकता है संगाई उत्सव 2019 में कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो दोस्तों इसका सही जवाब है मणिपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मणिपुर में दोस्तों लगभग 7 दिन की ये उत्सव हुई थी और जो 24 नवंबर से शुरू हुई है अभी चल रही है 30 नवंबर तक ये चलेगी, ठीक है, 30 नवंबर तक चलेगी। इसका नाम है संगाई उत्सव और ये किसने आयोजित किया है, तो दोस्तों ये किया है राज्य पर्यटन विभाग, ठीक है, मणिपुर के राज्य पर्यटन विभाग ने इसको शुरुआत की है और 24 नवंबर से शुरू है, 30 नवंबर तक चलेगी। इसका नाम है संगाई उत्सव, ये हो रहा है मणिपुर में, तो ये राइट हो गया। अगला यहाँ पे सवाल है कि हाल ही में फूड वल्नरेबिलिटी इंडेक्स 2019 में भारत कितने स्थान पे है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 44वां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल दोस्तों आपको टच कर सकता है एग्जाम में, तो आपको इसका जवाब देना है 44वें स्थान पे। तो ये कौन रैंकिंग करवाता है दोस्तों, NFVI द्वारा ये रैंकिंग करवाया जाता है और लगभग 110 देशों में भारत 44वें स्थान पर है दोस्तों। और ये रैंकिंग किया जाता है, ये खाने पीने के जो भी सामान होते हैं उनके प्राइस जो होते हैं, कीमत, उसमें उतार चढ़ाव जो होता है दोस्तों उसी को मेजर किया जाता है, इसी आधार पे ये रैंकिंग आपको दी जाती है। अब चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। अगला दोस्तों सवाल है यहाँ पे कि हाल ही में कहाँ पर पाए जाने वाले दो सिंग वाले गेंडे, ये दोस्तों काफ़ी दुर्लभ प्रजाति के गेंडे हैं ये, और ये पूरी दुनिया में दोस्तों अब केवल 80 बचे हैं, 80 ऐसे गेंडे बचे हैं जिनके पास केवल दो सिंग हैं। और जो अभी अभी दोस्तों एक खबर निकल के आई है कि सुमात्रा में दोस्तों ये अंतिम गैंडा था जिसका दो सिंह था, उसकी मृत्यु हो चुकी है और ये मादा दोस्तों थी, इसका नाम ईमान रखा गया था। और ये सुमात्रा जो है, सुमात्रा एक द्वीप है इंडोनेशिया का, तो द्वीप दोस्तों आपको पता है द्वीप क्या होता है, देखिए एक लैंड होता है, ठीक है, एक जगह होता है जिसके अगल बगल सब तरफ पानी होता है, तो पानी होता है चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, तो वो क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। तो काफ़ी दो इंडोनेशिया के दो द्वीप हैं काफ़ी मशहूर, एक है सुमात्रा और एक है जावा, ठीक है, ये जावा और सुमात्रा क्या, पूछ दे एग्जाम में अगर आपसे कि जावा क्या है या सुमात्रा क्या है, तो दोस्तों ये है इंडोनेशिया का द्वीप, ठीक है। तो सुमात्रा में ही दोस्तों दो सिंह वाला गैंडा जो ईमान था, मतलब मादा है ईमान थी, उसकी मृत्यु हो चुकी है और ये सुमात्रा की थी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। एग्जाम में अगर पूछ दे कि दो सिंह वाले अंतिम गैंडे की हाल ही में कहाँ पर मृत्यु हुई है, तो दोस्तों वो सुमात्रा में, ठीक है। तो अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे है कि हाल ही में किसने स्कॉटिश ओपन 2019 का पुरुष एकल खिताब जीत लिया, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों लक्ष्य सेन को इस बार स्कॉटिश ओपन 2019 का पुरुष एकल खिताब दिया गया है। और दोस्तों ये क्या है, ये है भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी। अगला दोस्तों यहाँ पे सवाल है कि हाल ही में किस राज्य में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देने का ऐलान किया है, दोस्तों बहुत बड़ा ऐलान है और यहाँ पे खिलाड़ियों को दोस्तों, वहाँ के जो प्लेयर हैं वो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उनको 5% तक आरक्षण देगी, रिजर्वेशन देगी, किसमें,
आपको सरकारी नौकरी में। तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश की सरकार ने ये तय किया है, अभी मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ हैं, तो वहाँ पे तय किया है कि वहाँ पे खिलाड़ियों को 5% तक आरक्षण दिया जाएगा, तो इससे खिलाड़ियों को अभी काफ़ी लाभ होने वाला है। और दोस्तों अगर बात की जाए तेलंगाना की, तो तेलंगाना के अभी सीएम कौन है, ये है के चंद्रशेखर राव, ठीक है, के चंद्रशेखर राव। राजस्थान के कौन है, अशोक गहलोत है। ये मध्य प्रदेश का तो मैंने बता दिया आपको, कमलनाथ है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।